Assalamu alaikum everyone. Today we discuss the question number 2 of exercise 1.1, unit 1 of class 9th, mathematics. तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं. इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन ये होती है कि उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनकी एंट्रीज भी सेम हो. तो हम देखेंगे, हमें बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए थे, उनमें हमने देखना था कौन कौन सी मैट्रिसेस बराबर हैं. तो दोनों कंडीशंस हम देखेंगे. पहले देखेंगे कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, फिर उनकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. तो पहले मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए. ए में एंट्री एक ही थी 3, और सी में एंट्री थी 5-2. तो देखिए, जब 5 और 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो इसमें देखिए, ऑर्डर बोथ दोनों मैट्रिसेस का, ए और सी का, सेम है 1/1, और एंट्री भी सेम है. इस वजह से ए और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स था बी, उसमें एंट्री सी 3 और 5. फिर हमारे पास आई मैट्रिक्स था, उसमें था 3 और 3+2. 3+2 को अगर हम ऐड करें तो 5 आ जाता है. देखिए, ऑर्डर इनका सेम है, एक रो और दो कॉलम है, और एंट्रीज भी देखिए, पहली एंट्री दोनों की 3 है और दूसरी एंट्री भी सेम है, दैट इज़ 5. तो दोनों की जब एंट्रीज भी सेम आ गई, ऑर्डर भी सेम आ गया, इसका मतलब है बी और आई मैट्रिसेस बराबर हैं. उसके बाद हमें ये मैट्रिसेस गिवन थी, जो ई मैट्रिक्स थी, एच और जे. अब इनमें देखिए, इन सबका ऑर्डर जो था वो सेम था, 2/2 का था, दो रोज थी और दो ही कॉलम्स थे. इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं. तो ई, एच और जे तीनों का ऑर्डर सेम है. और उसके बाद हमने देखा कि क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है. तो देख सकते हैं आप, ये जिनमें एडिशन थी उनको मैंने ऐड कर लिया. 2 और 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 4. 2 में से 2 किया 0. 2+4 6, और 2 में 0 ऐड हुआ तो 2. अब आप देखें कि पहली एंट्री सबकी सेम है 4, दूसरी एंट्री 0 है सबकी सेम है, फिर 6 एंट्री है, फिर 2 एंट्री है. तमाम एंट्रीज आपस में इक्वल हैं. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ई, एच और जे सेम आ गए, क्योंकि पहली चीज़ हमने देखी कि इनमें ऑर्डर सेम है, दूसरी चीज़ हमने देखी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है. दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो तीनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गई. अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स थी एफ, जिसमें एंट्रीज थी 2 और 6. कॉलम मैट्रिक्स था, इसमें दो रोज और एक कॉलम है. तो जी में हमारे पास एंट्री अगर देखें तो 3-1 और 3+3 है, डैट इज 2 और 6. तो इसमें आपके पास देखें, एक दो रोज और एक कॉलम है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है. जब ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो मैट्रिसेस क्या आ गई, बराबर आ गई.